कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो गाइज, मैं अभी आया हूँ ऑफिस से और अभी अपने मैं रूम में हूँ। तो चलो नीचे चलते हैं, देखते हैं क्या बनता है। और मेरी मैडम खाना बना रही है, ठीक है? तो चलो देखते हैं आज क्या बन रहा है। अभी शाम के 7:47 हो रहे हैं, ठीक है? इसको ऑफ कर देता हूँ और थोड़ा अंधेरा आएगा क्योंकि मैंने यहाँ पे लाइट ऑफ कर रखा है, ठीक है? ये देखो, ये मेरा ही फोन है। अब इसका सारा काम हो जाएगा तो इसको डेकोरेट कर देंगे अच्छे से। इसमें क्या रखा हुआ जी? मिर्चा अचार। मिर्चा अचार का देखो, मर्चा जो दिखाया था आप लोगों को, ये मर्चा है किचन में रखा हुआ है। ये मर्चा रेडी हो चुका है। हाँ, क्या बना रही हो? दाल चावल सब्जी रोटी। दाल चावल सब्जी रोटी बन भी गया था। ये मिक्सर मर्चा है, जानते हो मिक्सर जो भी चलाओ तो उसमें पानी डाल के बैंगन का चोखा। भाई जब मुझे नहीं पसंद है बैंगन का चोखा, मैं खाता हूँ ना तो खुजली टाइप का हो जाता है शरीर में, एलर्जी है मेरे को बैंगन से। ये भी बैंगन का सब्जी बहुत खाती है। मैं सब्जी नहीं चोखा खाती हूँ। खाती कहाँ इसको ढाँप के रखे? हमको अभी तक मिक्सर नहीं आता चलाना। भाई सही में सिखाओ ना यार, मुझे सीखना है ताकि मैं कुछ बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ ना। जैसे कहीं जाऊँ तो वहाँ पे मिक्सर हो तो पता चले मुझे चलाना आता ही ना हो तो थोड़ा सा। मिक्सर पहले नहीं था, मिक्सर मतलब पहले आज से 10 साल पहले मिक्सर का कोई नाम जो सिलवट लोड़ा होता था ना, सिलवट लोड़ा ऐसे हाथ से पीसते थे। तो वैसे देखो मेरी वाइफ बताने जा रही है। हाँ, ऐसे कैसे करेंगे बताओ? एक मिनट रुको, पहले शुरू से बताओ। नहीं वैसे नहीं, इसको हटाओ बताएं। अच्छा वो मिस कर, इसको हटा दो पानी वाले को, साइड में कर दो, इसको बैठा दी, ठीक? हाँ, उसके बाद से रुक जाओ थोड़ा, इधर हो जाओ। हाँ, इसको बोल रहे हैं हटा दो, इसको भी पता नहीं क्या रखा। हाँ आप चलाना, अच्छा चलने लगा। ये तो बहुत तेजी है जी, दिखाना मुझे भी दिखाओ, मैं भी ऐसे करूँगा। भाई लोग मैं अब बस वो थोड़ा सा और पीस दूँ ना, कुछ और तो पीसूँ। प्याज अब भाई साहब ये हमारे घर की तरह खाना बनाने लगी है। बिल्कुल नहीं बना लेते ना, बोल दो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर हमारे यूट्यूब चैनल पर नए आए हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और घंटा बजा दीजिए। हाँ घंटा दबा दीजिएगा, बजाइएगा बस। नोटिफिकेशन दबाने से ये होता है कि आपको जो भी हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे साथ में ना तो तुरंत आप लोग मोबाइल जब खोलते हो ना आप नोटिफिकेशन तुरंत आएगा। तुरंत तो आप लोग सोचते हैं कि पहले मेरा पास आया है उसके बाद किसी के पास जाएगा? नहीं, सबके पास एक ही साथ जाता है। तुम सोचोगे कि मेरे पास पहले आया है तो सब किसी के पास आता है। ये पता नहीं क्या रख दियो किचन में। कौन सा? अचार का मर्चा है। देखो उस दिन मैं अभी ब्लॉग नहीं बनाया था, इसमें पूरा अचार का मर्चा हो गया है। इसमें मर्चा ही मर्चा, बहुत मेहनत लगता है। ये सारा मैं मर्चा बनाई है, सकीना मार्क जी बनाई है। तुम बनाई हो ना? नहीं नानी, नानी बनाई है, इनकी नानी जान जो है वो बनाई हुई है। अब क्या बनाने जा रही हो? अंडा। देखो भाई लोग
अगर आप लोग को अंडा बनाना नहीं आता हो तो आप बिहारी मॉडल सीख सकते हो अंडा बनाना। बिहार में कहते हैं सबसे पहले यहाँ पे प्याज काट लेंगे हम लोग। अच्छा। अंडा तो यार कोई ऐसा नहीं हो, मतलब कोई भी ऐसा नहीं होगा जो ऑमलेट ना बना पाए, सिंपल ही सा होता है, लेकिन अपना अपना बनाने का तरीका ही अलग। मैं भी बनाता हूँ तो किसी में ना बेसन डाल देता हूँ, बेसन हाँ, अंडा में थोड़ा सा बेसन और थोड़ा पानी अंडा पापरा नहीं होता, अंडा ऑमलेट ही होता। जैसे ज्यादा लोगों को अंडाना हो तो थोड़ा बेसन मार दो उसी में। हमारे नाना थे ना एक गांव के, मतलब भरौली के मेरे मामा के वहाँ के, तो वही छोटे थे तो हम लोग बनाते थे और सबको उसमें से खिलाते थे। तो क्या मशीन है जो अंडा काटने वाला उसको बनाई हो? हम लोग वहां से लाए थे ना खरीद के, तो उससे काटना चाहिए। ये देखो भाई लोग, अंडा बनाने का आसान रेसिपी। देखना हाथ मत काटो। तो अंडा बना सकते हो। अभी मैंने रूम में आया हूँ, अभी तो फ्रिज में कुछ नहीं रखते हम लोग, क्योंकि अभी गर्मी आने वाला है तो इसमें फ्रिज में कौन रखेगा सामान। क्यों फ्रिज में सामान इधर से उधर हुआ है, पता नहीं फिर कौन लटका दिया है। मैं तोड़ के फिर फेंक दूँ, फिर अम्मा लगेगी भूलने। ये हमारा किचन है प्यारा सा छोटा सा, देख सकते हो मेरी। वाह क्या अंडा फोड़ने का स्टाइल है, तो आप ऐसे ही देख के सीख सकते हो। अब ये किसके लिए बन रहा है? मेरे लिए। तुम भी क्या खाओ? आज चिकन मटर नहीं आया, आज कुछ अलग खाने का मन कर रहा था। हम असल बात है उधर से खा खूब आए हैं तो इसीलिए सोचे कि क्या ले। अच्छा समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना। ठीक है नहीं कह रही ना कहा कहेगी भाई। अंडा कोई कच्चा पीता है तो हम पी ले, लेकिन जिम करके आते तब पीते हैं, बड़ा बेकार लगता है। वर्कआउट करने जाते हैं तभी तो पतला हो गया हूँ, लेकिन फिट होना है मेरे को 2-3 महीने के बाद। ये पंटा वंटा तो किसी से भी चला सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं। तुम थोड़ा ऐसे कर लो बाल यार, ज्यादा ही क्यूट लग रही हो आज मैडम जी, क्यूट लग रही है इसीलिए मैं सोचा कि थोड़ा वीडियो क्यों नहीं बना लेता हूँ। क्यों सही बात है कि नहीं। अब यहाँ पे तावा पे रखेंगी, ये हमारा देखो अंडे का ऑमलेट। यार मेरे को प्यास लगा है, पानी नहीं मिलेगा। जी देखो पानी ला, मेरे को काम भाग रही है। ये वाला थोड़ी ना पियेंगे हम। पानी है का? गरम कर दी। नहीं वैसे तो यार थोड़ा मेरा तबीयत सही नहीं है। ठीक है थैंक यू। पानी कभी बैठ के पीना।
नमक डाली हो? हम तो देखे ही नहीं है, सही बता रहा हूँ, वीडियो में देख ली। ये देखो मेरे से कितना छोटी है। तुम वहाँ पे खड़े देखो, कौन खड़ा है, कौन बड़ा है भाई? अभी इस पे नीचे देख सकते हो, ये इस पे खड़ी है। अब हम इस पे खड़े हैं, आप लोग कमेंट में बताइए कौन बड़ा है। हाँ मता कौन बड़ा है भाई, कौन बड़ा है? देखो चीटिंग कर रही है, नीचे टेबल पर खड़ा है। मैं टेबल, अभी चलो मैं टेबल पर नहीं खड़ा होता हूँ भाई। चोखा खराब है, चोखा तो ये मेरा एमलेट हो गया था यार, और इनके हाथों से जो खाता है वो खाते ही रहता है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।